ये दयारा टॉप है, ये वाला जो ये दिख रहा है हमको, ये दयारा टॉप है। तो यहाँ जाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं गांव में सांझी का भी सीजन चला हुआ है और सारा काम महिलाएं कर रही हैं, काफी अच्छा लगा यह देखकर। तो दोस्तों देख सकते हैं माँ जगदम्बा मंदिर पर हम पहुँच चुके हैं, ग्राम रैथल। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तराखंड डायरीज के इस नए एपिसोड में। इस नए एपिसोड की शुरुआत हो रही है उत्तरकाशी के खूबसूरत जगह हिमालय की तलहटी पर बसा रैथल विलेज। देख सकते हैं आप, रैथल का बोर्ड लगा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये है रैथल गांव, पहुंच चुके हैं हम रैथल गांव। तो देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फबारी पहाड़ों में दिख चुकी है, मौसम भी देखते हैं बादल लगे हुए हैं। और आज हम यहीं रुकेंगे रैथल में और देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। वैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि अभी गुई तक पहुँच जाएँ, जो कि एक बेस कैंप विलेज है। तो एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाने से पहले एक बार बता देता हूँ कि जो रैथल विलेज है अपने आप में बहुत खूबसूरत विलेज है। और आज हम सुबह निकले थे देहरादून से, तो देहरादून से 180 से 185 किलोमीटर की दूरी तय कर कर हम गंगोत्री नेशनल हाईवे, काफ़ी शानदार, और बीच में उत्तरकाशी और भी शानदार रोड, रोड की बात तो मतलब मक्खन रोड थी, हम एक्चुअली बाइक से हाईवे थे। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा सफ़र और आराम आराम से ही आए। तो एक बार मैं आपको यहाँ का जो रैथल विलेज है उसका नज़ारा दिखाता हूँ। तो हम जा रहे हैं दयारा बुग्याल ट्रैक। आप इस जो हमारी दयारा बुग्याल ट्रैक की सीरीज़ है इसे ज़रूर देखें, और आपको अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और हमेशा की तरह इस ट्रैक से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी शानदार सा नज़ारा रैथल विलेज का। तो आप बने रहें, मैं आपको बैक कैमरे से ले चलता हूँ व्यू की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं पहाड़ों में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है, ये देख सकते हैं हिमालय रेंज। इसमें आपकी श्रीकंठ और गंगोत्री रेंज दिखती है, और कल हमें अच्छे से दिखेगी तो हम आपको पूरा बताएंगे। और ये बंदरपूछ और ब्लैक पी यहाँ से दिखती है, और ये ऊपर ये दयारा टॉप यहाँ बता रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा यह शानदार सा विलेज रैथल अपने आप में, काफ़ी सुंदरता इस विलेज की। तो ले चलते हैं, बस यहीं हमने अपनी जो बाइक है यहीं लगाई हुई है। और यहाँ से अभी अगर आप लोग आते हैं तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले से अपना थोड़ी सी अरेंजमेंट करके रहे हैं कि कहाँ रुकना है कैसे आना है। और ये देख सकते हैं आप रैथल, रैथल ग्राम सभा, रैथल में पधारने पर आपका धन्यवाद। तो देख सकते हैं रैथल विलेज, काफ़ी सुंदर सा यह विलेज। और ये देख सकते हैं आप बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी सी व्यवस्था, और ये TIC है। यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों की रुकने की व्यवस्था अगर आप प्लान करते हैं तो ये तो आप एक बार मुझसे संपर्क कर लीजिए, ये तो अगर आप आते हैं तो पहले से प्लान करके रहें। जैसे कि ये TIC यहाँ पर, और हमने अपनी बाइक ये लगा रखी है, ये वाली है, और देख सकते हैं काफ़ी शानदार सा नज़ारा। तो यहाँ से अगर यहाँ से आप ट्रैक शुरू करते हैं तो एक फॉरेस्ट की परमिशन लेनी ज़रूरी है, जिसका पास 300 से 400, मतलब हमें तो 400 रुपये पड़ा है तो 400 के करीब है। तो एक बार आपको ले चलता हूँ, ये देखिए जो मेन गेट है इसका, यहाँ आपको द गोट विलेज देखने को मिल जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर की डिस्टेंस पर है। और ये देखिए आप द गोट विलेज और दयारा बुग्याल पारिस्थितिकी पर्यटन में आपका स्वागत है। तो यहाँ से अभी रैथल से जो दयारा है 7 किलोमीटर का है, और वारसू से दयारा है 7 किलोमीटर। तो देख सकते हैं आप वन क्षेत्र में दंडीय है, क्योंकि आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है, और ये एक प्रवेश शुल्क है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम जाएंगे गोई जो कि 4 किलोमीटर का है। फिर इस तरीके से पूरा ट्रैक का रूट है, और यही ट्रैक का जो एक मेन गेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये एक यहाँ से व्यू है, और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अगर पूरे गांव का व्यू कहीं और से अच्छे से दिखता है तो आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपके बीच जल्दी ही ले आता हूँ इसे भी। तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ सामने जो हिमालय रेंज है वहाँ बर्फबारी हो रही है इस समय, और यहाँ से जो रैथल विलेज का व्यू है वो मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाने की ट्राई करता हूँ, ये देखिए वाह। और मैंने इसी बीच थोड़ी चाय भी ले ली है, आप लोग भी पिए चाय, और थोड़ा सा चाय पी के क्या होगा कि थोड़ी थकान मिट जाएगी हम लोगों की। तो ये है रैथल विलेज का काफ़ी शानदार सा नज़ारा, सामने देखो पहाड़ी पर स्नोफॉल,
अभी भी चल रहा है और थोड़ी थोड़ी हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं। और गांव का व्यू ये है, और ये देखिए आप, काफ़ी सारे अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे होम स्टे बन रहे हैं। तो अगर आप लोग आते हैं तो देखो, इंटरनेट पर भी काफ़ी सारी जानकारी है कैसे आएँ क्या आएँ, काफ़ी सारी ट्रैवल ट्रैकिंग कंपनीज़ हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों को मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, जो ट्रैक रूट है वो ये जा रहा है आपका, यहाँ से 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 और यहाँ 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 इस पहाड़ी के पीछे, फिर यहाँ इस टॉप पर। तो ये ट्रैक रूट है, ये दयारा टॉप है, ये वाला जो ये दिख रहा है हमको, ये दयारा टॉप है। तो यहाँ जाना है, तो देखते हैं, जो भी जैसा भी रहेगा हमारा एक्सपीरियंस, जो भी हमारा अनुभव रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें, काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। तो ये एक रैथल विलेज का, जो मैं आपको 360 व्यू एक बार फिर से यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप लोगों को कुछ भी रेंट पर चाहिए तो यहाँ पर जो TIC है सामने, यहाँ से आपको रेंट पर मिल जाती है। तो देख रहे हो आप, बर्फ़ काफ़ी शानदार बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये देखिए आप, फरवरी का यह महीना चल रहा है और जो व्यू है वो इस तरीके से है, ये देखिए आप। तो अभी अगर थोड़ा और भी कुछ और भी मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अगर कुछ नई जानकारी मिलेगी तो आप तक ले आऊँगा, तो आप बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये सारे होम स्टे बने हुए हैं। अगर आप लोग आते हैं तो ये काफ़ी शानदार से होम स्टे हैं, तो आप रुक सकते हैं। और अभी जा रहे हैं थोड़े गाँव की तरफ को, तो एक बार देखते हैं गाँव का नज़ारा और कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। ये व्यू को आनंद जरूर कीजिए, देख सकते हैं काफ़ी शानदार सा नज़ारा गांव का, ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर सा गांव रैथल, ये देख सकते हैं आप, वाओ। तो दोस्तों, देख सकते हैं गांव में शादियों का भी सीज़न चला हुआ है और सारा काम महिलाएं कर रही हैं, काफ़ी अच्छा लगा यह देखकर। और यहां पर देख सकते हैं खाना बन रहा है और यह है गांव का नज़ारा एकदम शानदार सा। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, यहाँ पर दो मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, सोमेश्वर महादेव और माँ जगदम्बा। तो देखते हैं, बस आप ये एक बार व्यू का नज़ारा लीजिए और फिर बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जो रैथल की जो सबसे एक तरफ से कहेंगे कि सिद्ध चीज़, काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ है। और अगर आप लोग रैथल आते हैं तो इस चीज़ को मिस मत कीजिए। यह है 500 साल पुराना घर और 5 मंजिला है इसकी जो खास बात है, और ये इसका प्रांगण है। और ये देख सकते हैं आप, आज भी अपने जो मजबूती है उस पर टिका हुआ है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और चारों तरफ हिमालय की तलेटी पर बसा हुआ शानदार सा गांव। और यहाँ पर दो जो फेमस मंदिर मैं आपको बता रहा था, सोमेश्वर महादेव और माँ जगदम्बा का, तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं वहाँ जाने की। तो आप बने रहें हमारे साथ और चलते हैं आपको वहीं। तो दोस्तों यार, हम पहुँच चुके हैं जो काफ़ी फेमस जो यहाँ का मंदिर है। तो अगर आप लोग आते हैं तो ये 2-3 चीज़ें जो यहाँ की मैंने आपको बताई वो आप ज़रूर एक्सप्लोर करें अपने दोस्तों के साथ, या अगर आप सोलो भी आ रहे हैं तो उसको भी एक्सप्लोर करते देख सकते हैं। जय हो। तो आप बने रहें, हम वहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं माँ जगदम्बा मंदिर पर हम पहुँच चुके हैं, ग्राम रैथल, और काफ़ी ऐतिहासिक और पुराना मंदिर, तो देख सकते हैं। और यहाँ से जो गांव का व्यू है इसका भी काफ़ी शानदार सा नज़ारा देखने को मिल रहा है इस समय। तो और हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी भी है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और चलते हैं इस गाँव से ऊपर की ओर। बाकी हम अपना छोटा सा जो ट्रैक है गुई तक का, उसको स्टार्ट करेंगे ऊपर से। तो ये नज़ारे थे यहाँ कर, यहाँ पर के, तो रैथल विलेज, और यहाँ से जो एकदम व्यू है काफ़ी शानदार सा नज़ारा, और ये 360 व्यू यहाँ से। तो दोस्तों, आप बने रहें, ऊपर से एक बार पूरे गांव का व्यू दिखाऊंगा, फिर आपसे विदा लूँगा। तो जय माँ जगदम्बा। तो दोस्तों, देख सकते हैं हिमालय की तलहटी में बसा बहुत सुंदर सा गाँव, जैसे कि मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाई दिया। पर लेकिन जैसे जैसे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया तो यहाँ पर से पूरे गाँव का व्यू आ रहा है,
मुश्किल से आप आधा किलोमीटर भी नहीं चले हैं, 200-300 मीटर ऊपर चलने के बाद ये व्यू आता है गांव का, काफ़ी शानदार सा व्यू है। तो देख सकते हैं, ये देखिए आप, काफ़ी शानदार सा व्यू। तो इस एपिसोड को दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करूंगा इस व्यू के साथ, जो हमारा पहला एपिसोड है रैथल विलेज का, कंप्लीट वीडियो है इसमें। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी दूसरा एपिसोड हमारा बेस कैंप जो कि गुई विलेज है, मौसम अभी ख़राब हुआ है तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी बेस्ट कंटेंट हो सके मैं आपको प्रोवाइड करवाने की ट्राई करूँगा। तो आप बने रहें और शानदार व्यू के साथ विदा लेता हूँ पहले इस एपिसोड से, इस व्यू के साथ।